विधानसभा की कार्रवाई 26 मार्च तक स्थगित होने के बाद विपक्षी दल भाजपा राजभवन जा पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने तमाम विधायकों को परेड बीजेपी ने राज्यपाल के सामने कराई, जिसमें भाजपा के 106 विधायक शामिल रहे। भाजपा विधायक दल की परेड को राज्यपाल लालजी टंडन ने आश्वासन देते हुए कहा कि उनके अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें अपने आदेशों का पालन कराना आता है। मध्य प्रदेश में सियासी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई 26 मार्च तक स्थगित होने के बाद भाजपा अपने विधायकों को लेकर राजभवन पहुंची। यहां भाजपा ने राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की परेड कराई। राज्यपाल को 106 विधायकों की समर्थन सूची भी सौंपी। इस दौरान राज्यपाल ने विधायकों से पूछा कि कहीं वे किसी दबाव में तो नहीं है, जिस पर भाजपा के तमाम विधायकों ने एक स्वर में जवाब देते हुए कहा कि वे किसी के दबाव में यहां नहीं आए हैं और वे भाजपा के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। उनके इस जवाब पर राज्यपाल लालजी टंडन ने जवाब देते हुए कहा कि जब मैंने निर्देश दिए थे तो उनका पालन होना था। उन्होंने विधायकों से कहा कि आप निश्चिंत रहिए, जो उचित कार्रवाई होगी मैं करूंगा और विधायकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। साथ ही इस दौरान राज्यपाल ने कड़े शब्दों में कहा कि उन्हें अपने आदेश का पालन करवाना भी आता है। उन्होंने महामहिम के आदेश का पालन नहीं किया और इसलिए हम सभी विधायकों का एफिडेविट देंगे और सबको आपके समक्ष हम सब उपस्थित करते हैं। ये 106 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सशरीर यहां आए हैं। सरकार अल्पमत में है और यही प्रार्थना करने आए हैं। यहाँ आपके समक्ष उपस्थित है, फिजिकली उपस्थित है, आपके सामने हम परेड कर रहे हैं। सशरीर हम आए हैं ये प्रार्थना करने कि सरकार बहुमत खो चुकी है, जो सदन की इफेक्टिव संख्या है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। अब सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार मुख्यमंत्री ने कहा था कि आज 16 तारीख को राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद वो विरोध करवा भैया बैठ जाए ना भैया भैया बैठ जाओ लेकिन सरकार अनुमत में सरकार ने आपके आदेश का पालन नहीं किया और सत्र को एक बहाना लेके पराजय के डर से स्थगित कर दिया। और संविधान की रक्षा करते हुए फ्लोर टेस्ट के माध्यम से जो बहुमत है उसको जो बहुमत में है उसको सरकार चलाने का अवसर मिले, यही निवेदन आपके समक्ष तत्काल तत्काल इस परेड के बाद ये फैसला किया जाए तो सरकार के पक्ष पर रहने का एक क्षण भी हस्तीय अधिकार नहीं है। फ्लोर टेस्ट और बहुमत की सरकार यहाँ बने, बहुमत की सरकार यहाँ आए, ये निवेदन। राज्यपाल के सामने परेड करने के दौरान भाजपा ने अपने 106 विधायकों के शपथ पत्र की सूची राज्यपाल को सौंपी। इस दौरान मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी राज्यपाल के सामने परेड में शामिल नहीं हुए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि भाजपा की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है और विधानसभा अध्यक्ष भी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने 6 विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जबकि बाकी विधायकों ने भी अपने इस्तीफे भेजे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में खड़ी है। आज हमारे सभी विधायकों ने आकर के महामहिम राज्यपाल जी को यहां पर आकर के उनको प्रत्यक्ष सशरीर अपनी उपस्थिति बता करके कहा है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा मध्य प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने याचिका लगाई है हमारे विधायकों ने जो जिन्होंने जिस प्रकार से आज फ्लोर टेस्ट है वो भागी है सरकार, तो इसको लेकर के फ्लोर टेस्ट समय पर जो आज आवश्यकता है क्योंकि कमलनाथ की सरकार आज अल्पमत में है, अपना बहुमत खो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी की है, कल उस पर सुनवाई है। बेंगलोर वाले विधायकों ने तो सब कुछ भेजा है,
इस्तीफा भेजे हैं, उन्होंने अपने वीडियो बना करके भेजे हैं, महामहिम राज्यपाल जी को भेजे हैं, विधानसभा अध्यक्ष को भेजे हैं। दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ विधानसभा के अध्यक्ष भी करेंगे कि 6 लोगों के इस्तीफा स्वीकार करते हैं, बाकी लोगों के इस्तीफा स्वीकार नहीं करते, 22 डिसीजन हैं। और उन्होंने कहा है कि हमको सुरक्षा दी जाए, उनके नेता पर हमला हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, जानलेवा हमला हुआ, क्या लोग कैसे आएंगे? इसलिए उन्होंने मांग की है कि हमको सुरक्षा मिले तो वो आए। इसको भी सरकार ने हर तरह से इग्नोर करने का प्रयास किया है। राजभवन में राज्यपाल से मिले आश्वासन के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधानसभा अध्यक्ष को फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण को लेकर किस तरह के आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तबक न्यूज, भोपाल।